Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. Calculate the mean of the following distribution. Pocket money diye bachchon ki aur number of students diye hain. Do bachchon ko 60 rupees pocket money milti hai, 24 bachchon ko 100 rupees milti hai. Hai na, the 100 dena parents ke liye aasan hota hai. इसीलिए ज्यादा बच्चे 24 बच्चे जो हैं वो 100 रुपीस पॉकेट मनी पा रहे हैं. ओके, तो अब इस क्वेश्चन को करने में हम लोग डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं. हर क्वेश्चन में हम लोग सारे मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे. तो नंबर्स देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे आएंगे. fi मल्टीप्लाइड बाय xi जब करेंगे तो 2400 यहां पे आएगा, यहां पर 1100 आएगा. तो काफी बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे डिविएशन मेथड. अगर यहां पे क्लासेस दी होती तो उसे स्टेप डिविएशन कहते. तो अभी तक तो बिना क्लासेस वाला हम लोग कर रहे हैं, डिस्क्रीट डेटा है ये. तो हम लोग क्या करेंगे इधर पे डिविएशन मेथड. ठीक है, तो पहले तो जो भी डेटा यहां पे लिखा हुआ है उसे कॉपी कर लेते हैं. पॉकेट मनी लिख गई है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अब आ गए. अब डिविएशन मेथड हमें करना था, है ना. हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग डिविएशन मेथड एम्प्लॉय करेंगे, क्योंकि यहां पर एफ आई एक्स आई अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएंगी. पिछली टेबल से हल्का सा चेंज आया इस टेबल में. इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं. लेट द अज्यूम्ड मीन क्या है, मीन पॉकेट मनी है ना. तो अज्यूम्ड मीन जो होगा वो रुपीज में होगा, और इन्हीं में से किसी को ले लेते हैं. 90 रुपीज या रुपीज 90 बोलेंगे चलो, है ना. और 90 को हमने मीन ले लिया, फिर इससे हम लोग डिविएशन देखेंगे. जो मीन हमने लिया उससे डिविएशन देखेंगे. तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. ठीक है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. अब आप पूछेंगे यार ए कहां है, ए क्या चीज है, है ना. तो ए यही है, ठीक है. पॉकेट मनी जो अज्यूम्ड मीन है, इसीलिए उसका नाम ए रखा हुआ है, और उसे हमने 90 मान लिया है. तो एक्स आई की वैल्यू 60 है, 60 माइनस 90 तो यहां पे माइनस 30 आ जाएगा. चिंता मत करिए, नेगेटिव साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 70 माइनस 90 माइनस 20, 80 माइनस 90 माइनस 10. अब तो समझ में आ ही रहा है आपको क्या हो रहा है. अब यहां पे प्लस शुरू हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा. तो डी आई हम लोग ने लिख लिया. अब जैसे हम लोग एफ आई एक्स आई करते थे, अब हम लोग एफ आई मल्टीप्लाइड बाई डी आई कैलकुलेट करेंगे. अब देखिए कितना आसान हो गया. हम लोग माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो यहां पर हो जाएगा माइनस 60, माइनस 120, माइनस 130. यहां तो जीरो ही आ गया, यहां पे आ गया प्लस 240, यहां पे आ गया प्लस 200, यहां पे आ गया प्लस 90. तो अब इन सबको ऐड करना कितना आसान होगा. पहले देखिए 60 इंटू 2 आता तो 120 आता, 70 इंटू 6 आता तो 420 आता, और काफी बड़े बड़े नंबर्स आते. यहां तब भी आपको आराम है क्योंकि यहां वैल्यूज में 0-0 है. कुछ वैल्यूज ऐसी हो सकती थी यहां पे 0-0 ना होकर 97, 82, 75 ऐसा दिया रहता, तब ये करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ऐसे मल्टीप्लीकेशन करना, सबको ऐड करना, उसमें एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब सबको जोड़ते हैं,
और ये काम हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए 130 और 120 कितना हो गया, माइनस 250 अगर प्लस 240 से इंटरेक्ट करेगा, हमारे पास केवल इन तीनों को इंटरेक्ट करके माइनस 10 बचेगा, माइनस 10 इसके साथ जुड़ जाएगा माइनस 70, सारे नेगेटिव खत्म हो गए, यानी ऊपर माइनस 70 लिखा हुआ है, 240 खत्म हो चुका, 290 माइनस 70 हो जाएगा 220। बाकी आप जैसा भी करें, सारे पॉजिटिव जोड़ दीजिए, फिर सारे नेगेटिव जोड़ दीजिए और आपस में इंटरेक्ट करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिग्मा एफ आई देखिए बहुत ही सिंपल है, ये तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे, 6 2 8 3 11 2 13 4 17 3 20 कैरी 2 1 3 5 7 1 8 तो 80। तो इस बार हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई डी आई। तो अब हमारा फॉर्मूला भी मीन का चेंज होगा, मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ए कितना था 90, सिग्मा एफ आई डी आई क्या हो गया 220, एफ आई कितना हो गया 80, 00 कैंसल हो गए। अब आप देख सकते हैं ये 11/4 है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2.75। यार 11/4 बच्चे कहते हैं कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाता हूं तो बात सही है, नहीं कर पाता हूं मैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, 2.75 प्लस में आ रहा है। अच्छा देखिए, अगर आप अज्यूम्ड मीन अगर 90 की जगह मान लीजिए 70 ले लेते तो भी आपका आंसर सेम आता, ऐसा नहीं होता कि कुछ और आंसर आ जाता। तो 92.75 हमारा मीन है और ये कैसा होगा, रुपीस में होगा, है ना, क्योंकि इसके आसपास आ रहा है ना, यहां तो 90 कहीं है ही नहीं। इससे भी आप यूनिट लिखकर आएंगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, वरना मार्क्स कट सकते हैं। सो दिस इज डन नाउ, वेरी इजी क्वेश्चन, और आपने अब डिविएशन मेथड सीख लिया है और अब सारे क्वेश्चन हम लोग जरूरत के हिसाब से डिविएशन से ही करेंगे।